हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है? ये वीडियो बनाई जा रही है कि जो लोग कैनवा यूज़ करते हैं उसके अंदर वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है मूवमेंट की जा सकती है। अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पर या फिर अपने किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आप कोई कार्टून वीडियो या फिर जो एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो सबसे ईजिली कैनवा पर बन जाती है। लेकिन उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है, लोगों को यह समझ नहीं आता कि उसकी मूवमेंट कैसे करें, कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कैसे करें। तो बैटरीज मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेट अस जंप टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कैनवा। कैनवा का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और अमेजिंग टूल है। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे कोई वीडियो बनानी होती है एनिमेटेड, तो मैं यूट्यूब थंबनेल जो देख रहे हैं मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपके पास देखिएगा, ये व्हाइट साइड जो व्हाइट कलर का बोर्ड आया है, ये आपका समझ लीजिए कैनवास है। इसके ऊपर जो चीज़ आप ड्रॉ करोगे वही आप दिखा पाओगे लोगों को वीडियो में। तो अब एक्चुअली मुझे सिर्फ कोई एक थंबनेल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली वीडियो चाहिए। तो वीडियो करने के लिए मुझे, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन आ रहा है, विल क्लिक ऑन ड्यूरेशन। तो ये जो कैनवास था इसको एक समझ लीजिए कि एक कैनवास बना दिया गया, लेकिन एक वीडियो कैनवास, वो भी 5 सेकंड का है। देखिए यहाँ 5 सेकंड लिखा है। अब इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं माउस का कर्सर लाता हूँ तो ये जाते हैं, सो आई कैन एक्सटेंड इट। और यहाँ पे देखिएगा नंबर लिखा भी आ रहा है, तो आई कैन एक्सटेंड इट अप टू 10 सेकंड्स और जितना भी जिस तरह का आपको चाहिए। तो मुझे अभी जो आपको मैं सैंपल बना के दिखा रहा हूँ वो 10 सेकंड का बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको 10 सेकंड पे पोस्ट कर लेता हूँ। सो 10 सेकंड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। लेट अस गो टू एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में ना हम लेते हैं ये फुटबॉल नेट ले लिया हमने, इसको रिसाइज कर लिया ऐसे, ठीक है। और एक फुटबॉल ले ली, फुटबॉल को हमने यहाँ पर रख लिया, क्लिक करते हुए यहाँ पे आ जाती है। अब मेन क्वेश्चन जो था, जो मेन पर्पस इस वीडियो का बनाने का ये था, लोगों का ये था कि मान लीजिए हमें दिखाना है कि ये जो बॉल है इसके अंदर चल जा रही है, बाउंस होकर जा रही है, कैसे भी जा रही है, तो वो मोमेंट हम कैसे दिखाएंगे सो दैट ये एक वीडियो जो है ना एनिमेटेड वीडियो अच्छी भी लगे देखने में। तो ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली इसके अंदर करना बहुत ही ईजी है। दोनों थिंग इज़ कि आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको जोन सी चीज़ को मूवमेंट कराना है पहले तो उस पर क्लिक कर लीजिए। देखिएगा फुटबॉल है, इस पर आई क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं ऑप्शन एनिमेट की ऑप्शन आती है, क्लिक ऑन एनिमेट। अब मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो ये देखिएगा साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इफ आई स्क्रॉल डाउन तो ये तो कुछ मूवमेंट्स हैं ऐसी दिख रही हैं कि इसमें ये दिखेगा कि ये वाली बॉल अपीयर कैसे हो रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए देखिए कोई भी इफेक्ट पर मैं लेके आता हूँ बेसिक वाले इफेक्ट पर, तो राइज पर क्लिक करूँगा तो वो उसी तरह से जो है बॉल हिलेगी। देखिएगा इसका मीनिंग ये है कि जब स्टार्टिंग में स्क्रीन पर आएगी बॉल तो कैसे आएगी, वो इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है जनरल एक एनिमेशन यहाँ पे दी हुई है। इसमें हम नीचे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऐड मोशन इफेक्ट्स। ये एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है अगर आपको ना मतलब बहुत लाइव दिखाना हो, मतलब इस आपकी जो वीडियो है या जो कैनवस है उसको चलते हुए दिखे उसके लिए ये चीज़ें बहुत काम की आती हैं। जैसे विगल, इस विगल पर अगर मैं देखिए सिलेक्ट करता हूँ तो बहुत हल्की हल्की से विगल कर रही है, हल्का हल्का हिल रही है, तो विल सिलेक्ट इट, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जब भी वीडियो से ये 10 सेकंड की पूरी वीडियो में ना ये ऐसे विगल करते रहेगी बॉल। और अगर आप चाहते हैं बॉल हल्की हल्की रोटेट भी हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन रोटेट आल्सो। अब ये विगल भी करेगी और रोटेट भी करेगी, देखिएगा हल्की हल्की घूमेगी। और यहाँ पे फ्लिकर भी है और इसके बाद पल्स भी है। तो अभी तक हम सिर्फ दो ही ले रहे हैं, हल्की हल्की रोटेट और हल्का हल्का विगल, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब हमें चाहिए कि ये यहाँ से ऐसे विगल होते होते एक्चुअली गोल पोस्ट के अंदर चली जाए, तो वो कैसे होगा? अभी जो आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है इस पर सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए अपने जो माउस का। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी आपके सामने विच इज़ शो टाइमिंग, क्लिक ऑन शो टाइमिंग। तो यहाँ पे टाइमिंग भी शो होती रहती है कैसे कैसे ड्यूरेशन में आएगी। सपोजिंगली इसको हम 2 सेकंड के लिए कम कर दिया, प्ले हेड पर जाते हैं तो पहले 2 सेकंड के लिए बॉल नज़र ही नहीं आएगी, फिर नज़र आएगी और उसके बाद विगल करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको 2 सेकंड बाद दिखाएंगे, ठीक है। अब विल क्लिक ऑन दिस। अब हमें करना है इसका एनिमेशन कि ये बाउंस होते हुए अंदर चली जाए। उसके लिए आपको वापस एनिमेट, देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर यहीं पे टूल्स में जो लिखा रहा है ना क्रिएट एन एनिमेशन, ये चीज़ लिखा रहा है। उसके नीचे आप देखिएगा लिखा है ड्रैग एलिमेंट्स अराउंड द कैनवस टू क्रिएट योर ओन एनिमेशन। इस पर क्लिक कर, अब आपकी एनिमेशन बनने के लिए तैयार है। अब एक्चुअली क्या है, आपके माउस के अंदर पावर है इस टाइम पे कि आप ये जो अपना माउस का जो कर्सर है इसको उस ऑब्जेक्ट पे लाइए, क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन पे क्लिक कीजिए और जो भी एनिमेशन आप बनाएंगे वो एनिमेशन ट्रैक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बी का दिखाया उन्होंने ऐसे गोल करते हुए, तो वी कैन मेक दिस ऑल्सो हैपन। अब हम क्या करेंगे, अब बॉल के ऊपर आएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड बॉल को इस तरह से बाउंस करेंगे।
देखिए कमा पे ट्रैक बनता जा रहा है, और मैं देखिए लास्ट में एकदम से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉलो करेगा। आप देखिए मैंने छोड़ दिया तो वो एग्जैक्टली वही वाला पाथ फॉलो हो रहा है, ऊपर जाके थोड़ी देर रुकेगा फिर नीचे आएगी बॉल। तो ये इस तरह से पाथ अब क्रिएट हो गया, इसी तरह का एनिमेशन चलेगा। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो देखिए सिलेक्टेड ऑलरेडी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा रहा है डिलीट पाथ, आई विल अब पाथ फिर दोबारा डिलीट हो गया एंड आई मेक इट अगेन। अब उसके बाद मैं इसको अगर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ फॉलो करेगी। सो दिस इज हाउ वेरी इजीली आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मशक्कत ही नहीं है इसमें करने में। और ये एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन आती है डाउनलोड की, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली MP4 में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड पे क्लिक करते ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। और ये वाला चीज़ आप बहुत ही अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ से चीज़ को ले सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को और अमेजिंग बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।